Hello students, welcome to the channel. Today I will give the answer of chapter number 4, Water Safe for Drinking, from Environmental Studies Part 1, 4th Standard. Chapter number 1, 2, 3, notes are already given. You can find out from my Home My Study playlist. Before starting a video, I request all of you to subscribe my channel and share with a needy person. See the exercise. First one, use your brain power. Some rava has got mixed with sago pearls or sabudana. What sieve should we use to separate the two? The one that allows rava to pass through or the one that allows sago? Students, question में क्या पूछा गया है कि अगर जो रवा होता है, देखो रवा के particles कितने छोटे होते हैं and sago seeds, यानी जो साबुदाना होता है वो दोनों एक में मिल जाए, तो हम लोग दोनों को अलग कैसे करेंगे, यानी कौन सी छलनी यूज़ करेंगे कि दोनों अलग हो जाए? Answer, the particle size of rava is smaller than sago pearls, so we shall use the sieve that allows rava to pass through. The sago pearls remain in the sieve and thus the two will get separated. तो हम ऐसा स्ट्रेनर यूज़ करेंगे कि रवा उसमें से निकल जाए और सागो सीड वैसे ही बचा रहे। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस यूज टू मेक द सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत। तो नींबू का शरबत बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? द सब्सटेंसेस यूज टू मेक द सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत आर लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? नींबू, शक्कर, नमक एंड पानी। नेक्स्ट वन, Why is that water looks clean and transparent may not be fit for drinking? Answer, water that looks clean and transparent may not be fit for cleaning because harmful microorganism that cannot be seen with naked eyes may be present in water. This microorganism, if enter our body, can be harmful for our health. Number 3, when making a sharbat, what do? To make sugar dissolve quickly. जब हम शरबत बनाते हैं ना, तो शक्कर जल्दी डिसॉल्व करने के लिए, यानी शक्कर जल्दी घुलने के लिए हम क्या करते हैं? वाइल मेकिंग अ शरबत वी स्टिर विथ अ स्पून सो दैट द शुगर डिसॉल्व क्विकली इन वाटर। शक्कर घुलने के लिए हम क्या करते हैं? चम्मच को बार बार हिलाते रहते हैं ताकि जो शक्कर है वो डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, डस ऑयल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन इट। अगर पानी में तेल गिर जाता है तो वो तैरता है या डूब जाता है? आंसर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर एज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। C1, कंप्लीट द टेबल। राइट द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट इन द टेबल बिलो। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स बिसाइड दोज मैंशन इन द लेसन। राइट देयर नेम्स टू इन द प्रॉपर प्लेसेस इन दी टेबल। तो यहाँ पर आपको तीन कॉलम दिया है ये टेबल में। फर्स्ट है थिंग्स, यानी कोई भी चीज़ लेना है। दिस सिंक, यानी जो चीज़ें डूब जाती हैं। दिस फ्लोट, यानी जो ऊपर तैरती हैं। अभी थिंग्स में देखो फर्स्ट क्या दिया है, गिवन इन दी लेसन, लेसन में जो चीज़ दी गई है, एंड डाउन साइड अदर थिंग। अभी थिंग्स देखो, फ्रॉम योर कंपास बॉक्स अ प्लास्टिक रूलर और शार्पनर अ रबर बैंड और द कंपास। तो उसमें से कौन सी चीज़ें सिंक होंगी? एन इरेजर, अ शार्पनर एंड दी कंपास। ये होगा नीचे डूब जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। और दिस फ्लोट, यानी कौन सी चीज़ तैरेगी? अ प्लास्टिक रूलर, अ पेंसिल, अ रबर बैंड। अब सेकंड देखो, फ्रॉम योर हाउस अ स्टील स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंड नट शेल, अ आयरन नेल, अ स्क्रू और अ कॉइन। दिस सिंक में आएगा अ स्टील स्पून, अन आयरन नेल, अ स्क्रू और अ कॉइन। और दिस फ्लोट में आएगा अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंड नट शेल। थर्ड वन, फ्रॉम आउटडोर्स, यानी बाहर की चीज़ में से क्या है? स्टोन्स, ब्रिक्स यानी ईट, मेटल, बास्केटबॉल, आइस, लीव्स, सॉइल। तो इसमें से कौन सी चीज़ें डूबेगी? स्टोन्स, सॉइल, ब्रिक, मेटल। और कौन सी चीज़ फ्लोट होगी? लीव्स, बास्केटबॉल एंड आइस। नेक्स्ट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन द लेसन रिलेटेड टू डिसॉल्विंग यूजिंग सम अदर सब्सटेंसेस। मेक अ टेबल लाइक द वन अबव एंड फिल इन योर फाइंडिंग्स इन इट। थिंग्स क्या है इसमें, गिवन इन द लेसन? शुगर, कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, सेंट सोडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल, व्हीट फ्लावर। एलम पाउडर का होता है जो फिटकरी होती है ना, उसका पाउडर। और अदर थिंग्स में आएगा एंटासिड टैबलेट और वैक्स। और कौन सी चीज़ डिजॉल्व होगी पानी में? शुगर, कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, पाउडर, एलम। और ये चीज़ें पानी में डिजॉल्व नहीं होगी, सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल एंड वेट फ्लावर। सेकेंड में एंटासिड टैबलेट एंड वैक्स में क्या आएगा? जो चीज़ें डिजॉल्व होती है उसमें है एंटासिड टैबलेट, और जो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती है वो है वैक्स। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर
dissolve after some time when added to water. Second, the mixture obtained on dissolving a substance in water is called a solution. Third, ORS is an example of useful solution. Fourth, microorganisms are not useful. Some can cause disease if they enter our body. Fifth one, things that float in water are lighter than it and things that sink are heavier than it. A substance called alum is swilled in muddy water to help clean the water. जो alum होती है ना फिटकरी, उसको पानी को clean करने के लिए भी use किया जाता है. Next, even true or false, alum powder does not dissolve in water. False. Microorganisms cannot live in water. False. If muddy water remains still, a sediment is formed at its bottom. Answer true. An eraser floats in water. False. Fifth one, tea leaves can be separated from tea by filtration. Answer true. With this, we have finished our chapter number 4, Water Safe for Drinking. If you like our videos, please subscribe to the channel and share with your needy friends.